जहाँ श्वेता के साथ ऐश्वर्या के नहीं है खास रिश्ते, वहीं अच्छी ननद कैसे बनते हैं श्वेता ऐश्वर्या से सीखे। अपनी भाभी को सर आंखों पर रखती है बच्चन परिवार की बहू। पिछले कुछ महीनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन अपने अलगाव की अफवाहों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। खबर है कि ऐश्वर्या और अभिषेक तलाक की ओर बढ़ रहे हैं और इस कपल और उनके परिवार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसके पीछे की वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि ऐश की अपनी सास जया बच्चन और ननद श्वेता बच्चन के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। हालांकि ऐश्वर्या का अपनी भाभी श्रीमा राय के साथ एक प्यारा रिश्ता है। जिनको नहीं पता उनको बता दे कि श्रीमा राय ने ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय से शादी की है। अपनी ननद श्वेता की तरह श्रीमा भी एक पूर्व ब्यूटी क्वीन है और वर्तमान में एक डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर है। श्रीमा राय एक एक्टिव सोशल मीडिया यूजर है जो अक्सर अपने पति आदित्य राय और अपने बेटे शिवांश राय व विहान राय की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। 2018 में इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान श्रीमा से पूछा गया था कि उन्होंने अपने बच्चों को उनकी बुआ ऐश्वर्या बच्चन के बारे में कैसे बताया, जिस पर श्रीमा ने कहा था, ये मेरे घर में कभी कोई टॉपिक नहीं रहा है, ये घर पर गुल्लू बुआ है। एक थ्रोबैक इंटरव्यू में श्रीमा ने अपनी ननद श्वेता के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी, ये बताते हुए कि कैसे उन्होंने ऐश्वर्या को कभी एक स्टार के रूप में नहीं देखा। श्रीमा ने साझा किया था, मैं ऐश को सुपरस्टार के रूप में नहीं देखती, वे सबसे पहले मेरी ननद है, लेकिन ऐश और अभिषेक हमें अक्सर देखने को नहीं मिलते। जब वे आती हैं, तो मैं आमतौर पर काम पर होती हूँ। अभिषेक एक मजेदार लड़का है। बच्चन परिवार और राय परिवार को एक साथ देखने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन यह ऐश्वर्या राय की भाभी श्रीमा राय की गोद भराई का जश्न था, जब बच्चन परिवार भी राय परिवार की खुशियों में शामिल हुआ था। इवेंट की अनदेखी तस्वीरों में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, कृष्ण राज राय, वृंदा राय, अभिषेक बच्चन, आदित्य राय, ऐश्वर्या राय बच्चन और श्रीमा राय एक फैमिली फोटो के लिए खुशी से पोज देते हुए नजर आए थे। पूरा परिवार ट्रेडिशनल लुक में अच्छा लग रहा था। श्रीमा राय 112K फॉलोअर्स के साथ एक एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हैं। द एशियन एज के साथ एक थ्रोबैक इंटरव्यू में श्रीमा ने ऐश्वर्या राय की भाभी के रूप में पहचाने जाने के अलावा अपनी खुद की पहचान बनाने के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, मुझे अपने दम पर ऐसा करने के लिए सम्मान मिलता है। मेरा मानना है कि ब्रांड या जनता मुझे सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि मैं किसी की भाभी हूँ। अंततः एक ब्लॉगर के लिए कंटेंट ही मायने रखता है। मैं अपने फैमिली फंक्शन की तस्वीरें भी शायद ही कभी पोस्ट करती हूँ। मैं रक्षाबंधन के दौरान आराध्या की एक खास तस्वीर या इंस्टा स्टोरी पोस्ट करती हूँ जो 24 घंटों में हट जाती है। जैसा कि मीडिया में अनुमान लगाया गया है कि ऐश्वर्या की अपनी ननद श्वेता बच्चन के साथ नहीं बन रही है, लेकिन वह खुद अपनी भाभी श्रीमा की प्यारी ननद है। फिलहाल उनकी बॉन्डिंग के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।